आपका भी ये तो समापन पर यहाँ पहुँचना ये शुभ संकेत है और निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक शुभ लक्षण है और हम माँ भारती जगन्नाथ सुकंडा के चरणों में यही प्रार्थना यही आग्रह यही निवेदन कि गौ माता राष्ट्र माता बस यही आकांक्षा यही आप लोग जरा थोड़ा सा प्लीज रास्ता दे दीजिए। अच्छा लोगों थोड़ा इस तरफ कर दो थोड़ा। क्या क्या नाम से पीछे लाइन बना दो सर। मिलना चाहते हैं पूरी तीन जोड़ियों की जो व्यवस्था है जो राष्ट्रीय और बहुत सारे लोग जो इस काम में लगे रहे और आप सबकी जो निष्ठा थी आपका जो भाव था को जाग उठो अब वीर उबाओ लेकर न मंगड़ाई को। गाय कहती हिंदू पाले सिख पाले मुस्लिम पाले हम तो सभी का पालन करते हैं परोपकार मेरा अंग अंग करता विषम भाव नहीं लाती हूँ लालन पालन सबका करके मैं प्रतिदिन हर साती हूँ माई बनकर दूध पिलाती बेचो ना मुझे कसाई को। जाग उठो अब वीर युवाओं लेकर नवंगड़ाई को। तो पूज्य गुरुजी के चरणों में ये आज हम शपथ लेते हैं कि पूर्णतया 20 नवंबर को जो क्रांति हो रही है हम सभी पहुंचेंगे तन मन धन से सहयोग करेंगे और जो समय दे सकते हैं वो आचार्य जी के पास समय नोट कराएं। देव डोलियों की इस अनुपम छटा और यहाँ की ऐतिहासिक कार्यक्रम को पूरा नमन क्योंकि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता हार को लक्ष्य से दूर ही रखना जीत का कोई विकल्प नहीं होता। गाय राष्ट्र की माता है नहीं गाय विश्व की माता है और जिस दिन गुरु जी का यह संकल्प राष्ट्र माता का होगा उस दिन ये विश्व की चर्चा बनेगी। भारत माता की भारत माता की जय हिंद जय भारत। सुंदर आलोक सोलंकी जी तालियों से अभिनंदन करें। वहाँ से कुल्लू से हमारे जयेंद्र सिंह नामधारी जी उनको जाना है वो आ जाएं आशीर्वाद ले लें। पूज्य गुरुदेव से ज्योति प्रकाश शास्त्री जी भी आ जाएं और यहाँ मेरे पीछे जिसे आपने देखा कि गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ यहाँ पर 7 दिन तक चला तो
होना है, क्योंकि वास्तविक गुरुद्वार यही है, क्योंकि जो गौ से जुड़े हुए हैं वही सारे गुरुदेव, क्योंकि जब कथाओं से और कार्यक्रमों से व्यस्तता नहीं रहती है तो यहाँ से जाएंगे कि हमको गौ माता राष्ट्र माता बनानी है। उसके लिए हाँ, किसी पिटिया का सैमसंग का स्मार्टफोन दे दें, अगर किसी के हाथ लग गया हो, क्योंकि ये घर में कार्य है, यहाँ से आप जो है दे दें, किसी के हाथ लग गए, पिटिया यहाँ खड़ी है।